शहर कांग्रेस अध्यक्ष एवं विधायक विकास ठाकरे ने आरोप लगाया है कि महानगर पालिका द्वारा 12 वर्षों में 3,250 करोड़ खर्च करने पर भी शहर जल संकट से जूझ रहा है, जिसके चलते उन्होंने विश्वराज इंफ्रा व वियोलिया कंपनी की OCW की काली सूची में डालकर मामला दर्ज करने की भी मांग की है। विकास ठाकरे का कहना है कि 24/7 जलपूर्ति तो दूर की बात है, कई बस्तियां पानी से तरस रही है। उन्होंने विश्वराज इंफ्रा एवं वियोलिया की कंपनी OCW को काली सूची में डालकर मामला दर्ज करने की मांग की है। ठाकरे ने मनपा आयुक्त को पत्र लिखकर यह आरोप लगाए। उन्होंने इस संदर्भ में श्वेत पत्र जारी करने की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि करार के अनुसार एक पानी के मार्च 2017 से शहरवासियों को 24/7 पानी मिलना अपेक्षित है, लेकिन कई इलाकों में अब भी एक दिन आड़ पानी मिल रहा है तो कुछ इलाकों में केवल आधा घंटा ही जलपूर्ति होती है। ठाकरे ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिवनल मिशन के तहत मंजूर 1,000 करोड़ मनपा ने जलपूर्ति पर खर्च किए, OCW को 12 वर्ष में 16,000 करोड़ रुपए दिए, अमृत योजना 1.0 एवं 2.0 अंतर्गत मंजूर 650 करोड़ रुपए भी जलपूर्ति पर खर्च किए गए, लेकिन अब भी लोगों को पानी नहीं मिल रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि 30 जून 2023 को OCW को नोटिस जारी कर कहा था कि कंपनी शर्तों एवं सेवा की पूर्ति नहीं कर पा रही है। यह भी पूछा गया कि क्यों ना उसका ठेका रद्द कर दिया जाए, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 2017 मध्ये OCW कंपनीला या इथल्या पाणी पुरवठ्याचं कंत्राट देण्यात आलं होतं आणि 24/7 पाणी देण्याची घोषणा झाली होती। आज नागपुरात पाण्यासाठी हाहाकार आहे, अनेक वस्त्यांमध्ये 15 दिवसापासून पाणी नाही मिळून झालं आहे। प्रशासनाशी भांडून लोक जनप्रतिनिधी त्रस्त आहे आणि ज्या OCW हातात काम घेतलं होतं 1,600 कोटी रुपये आतापर्यंत महानगरपालिकेने त्यांना दिलं, 24 तास पाणी तर मिळालं नाही, परंतु OCW कंपनी हे काम विवोलियाला देऊन पळून गेली इथून। मला वाटतं ज्या OCW नागपुरात काम मिळालं, नागपूरच्या वर्कआउटच्या भरोशावर देशभरामध्ये काम घेतलं आणि नागपूर वाऱ्यावर सोडून दुसरीकडे पळालं, अशा कंपनीच्या विरोधात महानगरपालिकेने गुन्हा नोंदवायला पाहिजे, कारण की नागपूर शहरातल्या जनतेची फसवणूक केली आहे। 24/7 पाणी देतं म्हणून फसवणूक केली आणि शहरात आज 2017 पासून 2024 आहे, पाण्यासाठी हाहाकार आहे, पाण्यासाठी त्रस्त नागरिक आहे, माझ्या मतदारसंघातले लोक पाण्यासाठी घुमत आहेत। मला वाटते की अशा पद्धतीनं एखादा जर कंत्राटदार या नागपूर शहरातील जनतेची फसवणूक करत असेल तर त्यांनी केलेल्या कामाची चौकशी व्हावी, त्या चौकशी झाल्यानंतर त्याच्यावर गुन्हा दाखल व्हावा, या शहरातील जनतेची फसवणूक केल्याबद्दल अशी माझी मागणी आहे। आणि या संदर्भात मी ज्यांच्याकडे मागणी, मुख्यमंत्री असेल आणि ज्या यंत्रणा आहेत सरकारी की अशा कामाची चौकशी करू शकते, अशा सर्वांकडे तक्रारी करणार आहे। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहोड के साथ मनीष टेमरे की रिपोर्ट।